फुल जूसी कबाब है। ये टाइम देखें और माशाल्लाह इधर रश इतना है कि गाड़ियां वो उधर कोने रोड पे जो रश भाई इतना है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप लोग ऑर्डर करना पड़ता है तो हम लोग। और ये जो इनकी इमली वाली चटनी है भाई बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। चपली कबाब वाला ट्राई करते हैं ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आज हम लोग मौजूद हैं नर्सरी पे। नर्सरी की वैसे तो हम बहुत सी चीजें फ्रूट चाट हो गई और बहुत सारी चीजें, मगर आज हम लोग आपको दिखाने आए हैं नर्सरी सुपर बर्गर ठीक है जी। नर्सरी सुपर बर्गर भाई माशाल्लाह अभी रात का क्या टाइम हो रहा है आप लोगों को दिखाऊं। ये टाइम देखें और माशाल्लाह इधर रश इतना है कि गाड़ियां वो उधर कोने रोड पे और इधर पांव रखने की भी जगह नहीं है। भाई साहब जो बनाने वाले भाई माशाल्लाह उनका हाथ नहीं रुक रहा है और बड़ी जबरदस्त चपली है। सिर्फ चपली बर्गर और शामी बर्गर इनका माशाल्लाह बड़ा ही फेमस है और दोनों चीजों की बड़ी जबरदस्त है। तो ये आप लोग देखें तो आए फिर हम लोग अपने ब्लॉग की बिस्मिल्लाह करते हैं। ये रश चेक करें भाई आप लोग। ये भाई हमारे दमादम भाई स्पीड से बन काट रहे हैं। हाँ भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है बन काट रहे हैं? सर वो है बन वाला। बन वाला भाई कितने साल से बन काट रहा है? एक साल माशाल्लाह स्पीड इसकी बड़ी जबरदस्त है, इसीलिए मेरे स्पीड का पूछ लिया, इसके साल का पूछ लिया। ये माशाल्लाह अंडे तल रहे और रश माशाल्लाह आप लोग चेक कर लें। ये स्पेशल अंकल ये देखा सॉस डाल के लेके आ रहे हैं फुल। ये देखिए जी माशाल्लाह अभी आप लोग बाहर का मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ ठीक है। ये चेक करें भाई माशाल्लाह इनके इतने स्पेशल चटनी है। ये देखिए स्पीड चेक करें भाई बहुत रश है। मौजूद है सफीर भाई। सफीर भाई आप इधर क्या काम करते हैं? मैं बन कबाब बना रहा हूं। बन कबाब बना रहे हैं सफीर भाई? आपको बन कबाब बना रहे कितने साल हो गए इधर? मुझे 12 साल। 12 साल हो गए माशाल्लाह। बताइएगा कि इधर कौन कौन से जो आपके बर्गर हैं वो मशहूर हैं? यहाँ पे ज्यादातर रनिंग आइटम दाल अंडा बीफ चपली। दाल अंडा बीफ चपली। दाल अंडे में क्या होता है सर? उसमें शामी कबाब होता है दाल अंडे का, उसमें बीफ नहीं होता। सही सही सही। और बीफ चपली। बीफ चपली वाला चपली कबाब का मेरे ख्याल से पहली दफा आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया बर्गर में। जी। तो कितने साल से ये आपकी दुकान? ये 77 से। 1977 से यानी तकरीबन देखा जाए तो काफी अच्छे माशाल्लाह 50 साल के करीब हो गए। थोड़ी लोकेशन बताएं हमारे को। ये लोकेशन सर नर्सरी फर्नीचर मार्केट है ब्लॉक 2 में, वहाँ पे। और टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 11:30 से रात 12:30 तक। रात 12:30 तक चलिए बहुत शुरू है। ये सफी भाई का आप लोगों ने जाना भाई टाइमिंग वगैरह सफी भाई ने गाइड कर दिया तो आए फिर हम लोग आगे चलते हैं। भाई बन रहे हैं यहाँ पे बन कबाब ठीक है जी। ये इधर कबाब वगैरह रखे हुए हैं बड़ा जबरदस्त भाई इधर बना रहे हैं और बड़ा ही बड़ा सा तवा है, काफी बड़ा सा तवा है ठीक है जिसके ऊपर बन कबाब बन रहे हैं। बड़ी स्पीड में हमारे हारिस भाई बना रहे हैं और यार इनकी स्पीड देख के भाई मैं माशाल्लाह बड़ा हैरान हूँ। काफी स्पीड से बना रहे हैं अंडे वगैरह। ये आप लोगों को थोड़ा मैं दिखाऊंगा जो कबाब है वो प्रिपेयर हुए हैं। उनकी जो काली चटनी है ना यार जो इनकी चटनी है ब्लैक कलर की वो बड़ी जबरदस्त देखने इमली वाली चटनी है वो बड़ी देखने में बड़ी जबरदस्त लग रही है। हम लोग ट्राई करते हैं अपना रिव्यू भी करते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं तो आए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी भाई हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया माशाल्लाह। रश भाई इतना है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप लोग ऑर्डर करना पड़ता है तो हम लोग भी ऑर्डर करके आराम से बैठे और हवा भी आज भाई माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चली है। तो देखते हैं हमारा ऑर्डर आता है तो फिर हम लोग आपके साथ अपना जो बर्गर का रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पास मौजूद है शामी ठीक है जी और आगे हमारा चपली कबाब वाला बर्गर। हाँ दो हैं, दो रख दें। हाँ दो हैं, दो हैं। चलें भाई अभी हम ट्राई करने वाले हैं कौन सा पहले शामी ट्राई कर लेना ठीक है जी। हम लोग ट्राई कर रहे हैं इधर शामी बर्गर ठीक है जी। ये आप लोग चेक करें और ये जो इनकी इमली वाली चटनी है भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ हम लोग ये लगा के अंधेरा काफ़ी हो रहा है इसके लिए भाई माजरत ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बर्गर ये आप लोग चेक करें
अच्छा इनकी चटनी जो है भाई वो थोड़ी स्पाइसी है, ठीक है जी। मैं बिना चटनी का ट्राई करता हूँ। बिना चटनी का नॉर्मल बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके बीच में आप लोगों को देख मैं टमाटर वगैरह और इनकी इमली वाली चटनी भी बड़ी वीआईपी है। तो हम लोग ये अब चपली काव वाला उठा लेते हैं। हम लोग भाई चपली काव वाला ट्राई करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के। बड़ा चपली काव का बड़ी बड़ा यूनिक सा टेस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर चपली काव जो है वो रोटी के साथ खाएंगे, चपनी बन कब आप नहीं खाया हो, ठीक है जी। ये चीज़ जो है काफ़ी यूनिक है, ये चीज़ आप लोगों ने मस्त ट्राई करनी है। इसका कोई इतना स्पाइसी फ्लेवर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। शामी हाँ थोड़ा स्पाइसी है, जो स्पाइसी फ्लेवर है शामी चटनी के साथ लाजमी ट्राई करिएगा। दोनों बर्गर बड़े ज़बरदस्त हैं और कम रेटों में आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह बड़ा मशहूर जगह है, मगर आप लोग आके लाजमी ट्राई करिएगा। और ये इसके भी बीच में टमाटर वगैरह रख के, वैसे सच बताऊँ ना तो भाई मैं टमाटर खाता नहीं हूँ। ये हमने टमाटर निकाल के रख दिया, ये हमने टमाटर निकाल के रख दिया साइड में, और अब हमारा भाई मेरे खाने वाला। बड़ा ज़बरदस्त है, और ये चीज़ आप लोग चेक करें भाई, इनका बन बिल्कुल बड़ा ही सॉफ्ट है भाई, ठीक है जी। यानी आप ताज़ा भाई बिल्कुल ताज़ा बन है, ठीक है जी। कोई मतलब इसमें इतना कड़क बन नहीं है, ये आप लोग चेक करें। फुल फुल जूसी कबाब है, थोड़ा कैमरा का फोकस ब्लर हो रहा है। फुल जूसी कबाब है, फुल जूसी बर्गर है, ठीक है जी। बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है दोनों। वीडियो के एंडिंग ये वीडियो आप लोग कैसी लगी लास्ट में जो है भाई मुझे कमेंट्स बताइएगा। मैंने भाई जिंगर बर्गर्स वगैरह पिज्जे वगैरह फास्ट फूड की तो जो है काफ़ी वीडियोस कवर करी है, मगर अब तक मेरे चैनल पे मतलब ऐसे जैसे शामी वाला बर्गर हो गया, ठीक है, ऐसे जो चीज़ें वो मैंने अब तक नहीं दिखाई थी। तो ड्यू पीते पीते भाई हम लोग इस वीडियो का आउटरो कर रहे हैं। और फॉर प्रमोशन एंड स्पॉन्सर 03111484064 भाई बर्गर माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है। आएँ तो 10 से 15 मिनट तक का इंतज़ार रखिएगा, ठीक है जी। ऐसा आए भाई बोलो जल्दी लिया निकलना है, ऐसी वाला सीन नहीं है भाई। यहाँ पर आए तो 10 मिनट तो पक्का लगेगा आप लोगों को कम से कम भाई, क्योंकि माशाल्लाह रश बड़ा ही ज़बरदस्त है। और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि भाई हम लोग आपके इलाके में आके वीडियो बनाएं, तो कोई अपने इलाके की बड़ी ज़बरदस्त खाना या फिर कोई भी चीज़ हमें कॉमेंट्स बताएं, हम लोग इंशाल्लाह उधर ज़रूर विज़िट करेंगे, ठीक है जी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।